विद्या जी के दो चार भाषण और सुन लोगे ना तुम पुलक मंच को छोड़ के सेना में भर्ती हो जाओ। और तभी पुलक मेरा नाम मेरे गुरु ने दिया था, लेकिन उन्होंने मेरे वस्त्राभूषण सब उतार दिए थे, लेकिन आज हकीकत में ये मेरे आभूषण बन गए। आपने देखा होगा जिस नाम के आगे ए लगा दिया जाए वो नेगेटिव हो जाता है, विद्या के आगे ए लगाओ तो क्या होगा, अविद्या हो जाती है। ज्ञान के आगे ए लगाओ तो क्या होता है, जीव के आगे ए लगा दो तो अजीव, सरदार के आगे ए लगा दो तो सरदार असरदार हो जाया करता है। ऐसा व्यक्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर। पुलक सागर जी महाराज राष्ट्र के गौरव, इस राष्ट्र को धर्म के साथ साथ सबसे पहला धर्म समझना मेरी भारत माँ प्रथम राष्ट्र, उनके हाथों से ये सम्मान नहीं, और सम्मान लेते नहीं जो काम करते हैं, बची हुई बोनस की बम्बों की जिंदगी अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, ये बहुत बड़ा इस बोनस की जिंदगी के अंदर आशीर्वाद है कि ये बची हुई जिंदगी जो है बोनस की, ये फिर राष्ट्र के बार बार काम आए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए काम आए, उनके हाथों से सम्मान मिलना ये तो छोटी सी बात नहीं। और मैं किस तरीके से शोभा ताई जी धारीवाल जी का और जानवी धारीवाल जी का मैं किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं, बड़े वर्षों से महाराज जी के मैं प्रवचन सुना करता था राष्ट्रभक्ति के ऊपर और सीखता था, और जब जब देश के ऊपर मुसीबत आती थी तो उनको याद करते हुए, उनके प्रवचनों को याद करते हुए, उनके सुनते हुए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने वाले लोग, बड़े बड़े एडवोकेट लोग जब बड़े बड़े चैनलों पर बहस करते थे, और जब पुलक सागर जी महाराज के वो प्रवचनों को मैं हमेशा मन में रखता था तो हनेरी की तरह उड़ के चले जाते थे, सामने को खड़ा नहीं होता, मुझे नहीं मालूम था कि उनके दर्शन उनके चरणों को शोभा ताई जी धारीवाल जानीवाल जानवी जी धारीवाल उनके चरणों में मुझे लगाएंगे। जैन समाज से मेरा बहुत पुराना गहरा रिश्ता है, आते हैं बोलते हैं चले जाते हैं, पर दिल के साथ जो रिश्ता जुड़ा है वो धारीवाल परिवार ने मुझे जैन समाज के चरणों में जोड़ा, और मेरे पूरा पूरा महीना दो महीने के जो निकलते हैं, अभी बेंगलोर में था, पहले पुणे में था, चेन्नई में था, अभी ओशिया माता जी के मंदिर रात की आरती थी, जानवी जी ने भी जाना था, पुनीत बालन जी ने भी जाना था, बहन जी ने भी जाना था, पर इधर का हुक्म था आने का तो मैं पहले आरती माता की करके आ गया, और मैं हर नवरात्रि में हर महीने वहां चरण लगाता हूं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर संत महात्मा महापुरुष राष्ट्र के गौरव राष्ट्र के ऊपर एक क्रांति की एक नींव रख दे तो इस राष्ट्र की तरफ कोई देख नहीं सकता, और उनकी क्रांति से आज 370 धारा जो राष्ट्र के कैंसर था, रोज हमारे जवानों की शहादतें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून तिरंगे झंडे में लिपटी हुई, हमारी बहनों के सुहाग उजड़ते थे, किसी का पिता किसी की पत्नी किसी के बच्चे किसी के पति की जब बॉडी आती थी खून से लथपथ तो हम रात को रोया करते थे, हम सोचते थे वो दिन कब आएगा जब हिंदुस्तान के अंदर 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना,
जब उनके अंदर एक दिन के 120 लोगों को मारे जाना, पूना में ब्लास्ट, दिल्ली में ब्लास्ट, ये कब रुकेगा? तो हमारे महाराज की कृपा से, उनके तपो जपों से वो दिन आया कि राष्ट्र का वो जोड़ा नरेंद्र मोदी अमित शाह, जिन्होंने कैंसर की बीमारी को हार करके ठीक किया, और आपके गुजरात का नाम हिंदुस्तान के सुनहरी पन्नों में लिख के रख दिया, जो हमारे हजारों बार मरने के बाद भी ये समस्या हल नहीं हो सकती थी, उखाड़ करके फेंक दिया। आज दुनिया के अंदर भारत मां, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस किसी के आगे मां नहीं लगता है। जो हमारे महाराज जी हमेशा भारत मां के चर्चे करते हैं, ये भारत मां ऐसे नहीं बनी। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खान, रानी झांसी, लाला लाजपत राय, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से, गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर उनके खून से ये भारत माता बनी है, उनसे खून से ये तिरंगा झंडा बना है। और आज उस भारत माता का नाम पूरी दुनिया के अंदर सुनहरी पन्नों में लिखा गया है। नया भारत, नई क्रांति, नया देश, नई आजादी, संविधान एक, तिरंगा झंडा एक, राष्ट्रगान एक, अब भारत एक होगा। पहले अलग अलग झंडे थे, अलग अलग स्टेटों की विचारधारा थी, आज राष्ट्र को एक कर दिया। ये महाराज की कृपा से हुआ, उनके तपोजपों से हुआ। हर कार्यक्रम पे मैं देखता हूं, यूट्यूब से सुनता हूं उनको, राष्ट्र भक्ति उनके नस नस में है और हमें प्रेरणा देती है, हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती है। पर हमें यह सोचना है, हमारा जैन समाज कोई छोटा सा समाज नहीं है, पूरे देश में जाने का मौका मिलता है। हमें जैन समाज की वो परंपरा, हमें जैन समाज के वो संस्कार, कोई भी भटकने की कोशिश करता है उनको लाने की कोशिश करनी है। ये हमारा सबसे बड़ा भगवान महावीर जी का संदेश, हमारे महाराज का संदेश। आज भी जिस होटल में मैं ठहरा हूं, तो होटल के मैनेजर से मैं पूछ रहा था कि नॉन वेज तो नहीं बनाते, कहता एक साल के अंदर 3 लाख लोगों ने वेज खाना खाया इस गुजरात के होटल में। हमारी संस्कृति के कारण, आपके तपो जपों के कारण ही आज हमारा भारत मजबूत है। आज से 5 साल 8 साल पहले का भारत देखिए, हमारा धर्म कमजोर, कहीं राम सेतु टूटने जा रहा है, कहीं हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा, कहीं वंदे मातरम, भारत माता के नाम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे। आज हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र महाराज की कृपा से, राष्ट्र गौरव महाराज की कृपा से आज हमारा भारत कितना मजबूत हुआ है, और उनके तपो जपो से हम सबको एक प्रेरणा और हमारे राष्ट्र को मजबूती मिली है। मेरा जीवन बोनस है, मैं मर चुका हूं, मैं कभी अपने आप को जिंदा नहीं समझता, मुझे बड़ा बड़ा कुछ मिलने की कोशिश होती है। कोई कहता है सेंटर का मिनिस्टर बनाएंगे, कोई कहता है चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। 96 के अंदर जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर की शहादत हुई, तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा सुबह शपथ लेनी चीफ मिनिस्टर की। मैं कहा मेरा काम नहीं, मैंने पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने दिया, मैंने पंजाब के अंदर बहनों के सुहागों को बचा लिया गुरु महाराज की कृपा से। मेरा काम नहीं, मेरा काम बोनस की जिंदगी में ये है, अगली जिंदगी के अंदर हमारे महाराज जी के जो संदेश हैं, प्रवचनों को लेके घर घर तक पहुंचाना, हर रस्ते में, हर कोने पे उनके प्रवचनों को पहुंचाना, ये मेरा अब अगला काम होगा। मैं शोभा दाई जी, अपनी बहन जी, अपनी मां को, क्योंकि गुरु जी ने आज एक मां का दर्जा दिया है, मैं उनका बच्चा हूं और मैं उनके चरणों में उनके साथ, मैं कई बार बहन जी को मां जी को कहता हूं, जब भी महाराज जी कहीं पैदल यात्रा करें, मैं जितना भी बंबों से चल सकता हूं, मैं उन यात्रा में शामिल होना चाहता हूं, तभी मेरा जीवन सफल होगा।
तभी तभी मेरे काम सफल होंगे। यहां आके चले जाना ऐसा नहीं। महाराज जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने जानवी जी को, आपने पुनीत जी को, आपने पूरे धारीवाल परिवार को, आपने शोभा धारीवाल जी को बहुत आशीर्वाद दिया है। दिल्ली की दुनिया में रहते, झूठ की दुनिया में रहते, आपके पास आते हैं। जब धारीवाल परिवार के घर में आता तो मुझे सच्चाई नजर आती है, मुझे भगवान नजर आता है, मुझे संस्कार नजर आते हैं। सुना करते थे पति परमेश्वर, पर दिल्ली के अंदर ये सब चीजें उस एरिया में समाप्त हो गई। मैंने अगर कहीं देखा है अपनी जिंदगी के अंदर पति परमेश्वर, वो है शोभा ताई जी धारीवाल और उनकी बेटी जानवी, जिसने अपने पिता, आज तक उसके पिता का जहां भी जानवी धारीवाल का कदम चलता है, उनके वो महान पिता जिन्होंने मजलूमों की रक्षा के लिए, बेसहारों की रक्षा के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए, धर्म के ऊपर कोई कमर कसर नहीं छोड़ी, उसका हर कदम, उनका पिताजी का उनके हर कदम में साथ चलता है और हमेशा चलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर वादा करके जाता हूं। ये जीवन बहुत छोटा है और यही कहना चाहूंगा, मन में बंदे मातरम, मुख में बंदे मातरम, शरीर के चलते हुए खून में बंदे मातरम, खंजरे कातल कभी भी खत्म कर देना हमें, आखिरी चीख भी निकलेगी, निकलेगी बंदे मातरम। और मैं महाराज के आशीर्वाद से ये कहना चाहूंगा और आज के दिन पाकिस्तान को भी ललकारूंगा, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमेशा 370 धारा के ऊपर चर्चा की है। हे भारत तेरा खाम एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है। सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। अरे तू मांग रहे कश्मीर, मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। अरे बीवी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है, ये गुरु जी कहते हैं। बीवी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है। मत करना धमाके की बात, ये जो इमरान खान रोज परवानों की बात करता है, मत करना धमाके की बात, भारत का हर एक पत्थर परवानू है, ये आज का भारत है। क्योंकि शोभा ताई धारीवाल जी ने, जानवी जी ने मुझे चरणों में जोड़ दिया है, अब मैं जुड़ गया, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी भी इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए कभी भी आपको मेरी तरफ से शिकायत नहीं आई। बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े लोग वादा तो कर जाते हैं पर रास्ता भटक जाते हैं, और अगला रास्ता हमारा होगा हिंदी राष्ट्र बनाना, हिंदी राष्ट्र, हर घर में हिंदी होगी, हर ट्रेन में हिंदी होगी, ये अगला रास्ता होगा, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। जितनी देर तक हर घर में, हर स्टेट में हिंदी नहीं होगी, उतनी देर तक आजादी मुकम्मल नहीं होगी। अभी आजादी अधूरी है, जिस दिन राष्ट्र के अंदर हर घर में, हर देश के, हर स्टेट के अंदर हिंदी होगी, उस दिन समझेंगे पूरी आजादी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हुआ फिर वादा करके जाता हूँ, जो जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जीबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए